I think one of the biggest opening ever. So I wish Balaji, Ekta, Jitu ji, Shraddha, Siddharth, Mohit Suri, jiska main bahut bada fan hu, all the best. Aapne dekhi hai film? Ji haan, it's amazing. It's one of the best films I ever saw. Bahut khoobsurat. Bol rahe hain ki jitni Khans ki opening lagti hai, tino Khans ki, utni hi badi opening lagi hai ek villain ko. Which is a very positive sign. कभी ऐसा होता है क्या कि आपकी बेटी भी हो, आपकी हो फिल्म में? क्यों नहीं होगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो मैं बेटी के साथ भी करूंगा. मेरा बेटे की भी दो पिक्चरें आ रही हैं, एक आ रही है फटाक, फिर एक आ रही है अनुराग कश्यप की अगली. सिद्धांत कपूर की भी दो पिक्चरें आ रही हैं. श्रद्धा की ये एक विलन लग गई है, अगले महीने से वो शुरू करेगी ABCD. तो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. वो रक्तधार है, ये सिर्फ नाम के लिए रक्तधार है, लेकिन जो आजकल के नौजवानों के जज्बात की जो बहर है, जज्बात की जो लहर है, जज्बात की जो लहर है, जो रक्तधार का मतलब है, जो जज्बात की लहर है आजकल की ऑडियंस में, कि कहाँ बुराइयाँ कहाँ अच्छाइयाँ कोई दफनाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल जो आज माहौल चल रहा है पॉलिटिकल, कि बड़े बड़े वादे बड़ी बड़ी चीज़ें पर वो होती नहीं है. इसी पे का एक सताया हुआ एक नौजवान है कैरेक्टर जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम साहिल शाह है, वो इस फिल्म का मेन लीड कर रहा है. और शक्ति जी, शक्ति कपूर जी, जो अब कई सालों बाद यानी बता कि नया अवतार है शक्ति कपूर जी का, जिनको मैंने फोकस किया है, उस पर मैं बहुत मेहनत करूंगा. और आप देखिएगा कि आने वाले समय में ऑडियंस के सर पे शक्ति कपूर साहब का यानी गुरु माँ का, गुरु माँ का बोले तो भूत ऑडियंस के सर पे नाचेगा, ये मेरा सबसे कहना है. और दूसरी बात यह है कि इसमें एक बहुत बड़ा मसाला है, मिक्स मसाला है, जो आने वाले समय में ऑडियंस के लिए जो हमारी फिल्म रिलीज होगी तो फुल इंटरटेन है. और मेरी पूरी कोशिश होगी, जैसे मैंने फिल्म बनाई थी कसाब की, आप सबको याद होगा, आतंकवादी कसाब, अजमल कसाब, वो फिल्म बना के रिलीज करी, ऑडियंस के लिए एक मैसेज दिया, इसमें भी एक वैसा ही मैसेज सबको मिलेगा, यही मेरी एक इच्छा है. बाकी आपको क्या जानना है, देखना है. तैयारी मैंने इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट को लेना तो समझ लीजिए कि बड़ा हाथी पालने जैसा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है. जैसे फिलहाल शक्ति कपूर जी को लाना या और भी बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश जी, और आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी स्टार कास्ट उसमें नजर आने वाली है. और आप लोगों को अच्छा लगा कि इसमें बहुत बड़े लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और ये सब चीज़ें हमारी शेड्यूल, नेक्स्ट शेड्यूल हमारा नेक्स्ट मंथ में जाएगा और बड़े स्टार को साथ में ही जाएगा. आगाज हो चुका है, आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा. प्रैक्टिकल क्या है कि शक्ति जी ही इसको रोल को कर सकते थे और बहुत बेटर कर सकते थे. और मेरा ऐसा मानना है कि शक्ति कपूर जी मेरी कास्टिंग का जो हिस्सा है, मेरा एम्बिशन है शक्ति कपूर जी, कि मैं इनके साथ काम करूँ. जब मैंने बोला सर आपको ये गुरु माँ का रोल करना है, तो उनके मुँह से एक ही बात निकली, उई माँ. तो अच्छा लगा और उनको बहुत इंटरटेन किया, बोले यार ये रोल मैं जरूर करूंगा. और ये रोल करने में मुझे और शक्ति कपूर साहब ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की इस रोल के लिए कि आई कॉन्ट बिलीव. मैं शब्दों में उसको बता नहीं सकता. क्या प्लान किया आपका, कब तक का प्लान? ये है कि नेक्स्ट मंथ ये मूवी सेट पे जा रही है, और हम लोग अगर ऊपर वाले ने चाहा और उनका अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फिल्म हम एंड ऑफ ईयर तक रिलीज कर देंगे. बहुत फास्ट इसका काम शुरू हो रहा है. थैंक यू. चलिए.